नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़। और आपको बता दें कि जिले के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार लोगों को वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है। और आपको बता दें, इस वक्त हम फरीदाबाद के सबसे मुख्यतम जो बाज़ार है NIT एक नंबर में खड़े हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये मिलाप दवाखाना, जो बिल्कुल मार्केट के मेन बीचों बीच है, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग से, और ये सभी लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप जो मुफ्त लगाया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैक्सीन लगा रहे हैं। आपको यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं, डॉक्टर मान सिंह जो कि नोडल अधिकारी हैं वैक्सीनेशन कैंप के, जो जिला स्वास्थ्य विभाग के, उनसे भी बात करवाते हैं। वहीं जो वैक्सीन लगवाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं उनसे भी बात कराते हैं। तो आप देखते रहिए ये रिपोर्ट। देखो, इससे काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। जो दुकानदार हैं यहाँ के वो भी व्यस्त रहते हैं, और जो लोग वहाँ कोई शादी की खरीदारी के लिए कोई किसी में बिजी है, अगर वो थोड़ा सा भी समय एक दो मिनट भी निकाल के अपना वैक्सीनेशन करा ले, तो कहीं ना कहीं ये तीसरी लहरों से बिल्कुल बचाव होगा और इससे बचा जा सकता है। ये कहाँ लगाया है एक नंबर मार्केट में, ताकि लोगों को पता लगे? ये हमने बिल्कुल एक नंबर के बीचों बीच मार्केट में है, मिलाप दवा खाना के सामने है। इन्हीं से हमने स्टूल कुर्सी और जगह का अनुरोध किया, और इन्होंने बाकायदा इन्होंने दिया, ये मुहैया कराया। इनके लिए भी धन्यवाद है, आपके लिए भी धन्यवाद है, क्योंकि हम जगह जगह जो भी भीड़ वाले इलाके हैं, चाहे लेबर चौक हो, चाहे बस स्टैंड हो, और चाहे मार्केट हो, इसके अलावा सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं, घर घर दस्तक टीम जा रही है, घर पे भी वैक्सीनेशन आप करा सकते हो। जो इस बार जो सुविधाएं दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं वाकई में काबिले तारीफ है ये स्वास्थ्य विभाग की पहल, और कहीं ना कहीं सरकार की जो पहल है कि घर घर भी मौजूद है, भीड़ वाले इलाके में भी मौजूद है। आप चाहे शादी के काम से जा रहे हो तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हो, और कोई लेबर चौक पे अगर काम पे जा रहा है, ड्यूटी पे, वो भी वैक्सीन लगवा सकता है। कोई बस में कहीं यात्रा कर रहा है, बस स्टैंड पे भी हमारी टीमें बैठी हुई हैं। तो जगह जगह ये सुविधाएं भीड़ वाले इलाकों में बिल्कुल मुफ्त है। कोरोना वैक्सीन और दोनों प्रकार की कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन उपलब्ध है मार्केट में। यहाँ कब कब और क्या क्या टाइम रहेगा? शनिवार इतवार को 12 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि इसमें डे टाइम में ही काफी भीड़ होती है, और बाकी दिन शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक डेली टीमें यहीं पर बैठेंगी। कोई भी आकर मुफ्त अपनी वैक्सीनेशन करा सकता है, लगवा सकता है। और सभी लोगों से ये भी अनुरोध है कि अपना डिस्टेंसिंग का, 2 गज दूरी का मास्क जरूर लगाएं, और सैनिटाइजर और कहीं ना कहीं हैंड वॉशिंग साबुन से करें या सैनिटाइजर से करें, इसका उपयोग जरूर करें, जिससे जो आने वाली है तीसरी लहरें, इनसे बचा जा सके। सर, लोग आ रहे हैं लेकिन हम थोड़ा सा उन्हें पकड़ भी रहे हैं कि उनको वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत उन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन लोग आ भी रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो साथ साथ में उन्हें लग रहा है कि हाँ, वैक्सीन का भी हमें फ़ायदा मिल रहा है, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए उनको ठीक लग रहा है यहाँ पे ना, हम यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो अच्छा प्रयास रहेगा ये मार्केट में? सर, मार्केट में अच्छा रहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो वैक्सीन भी देखो शाम तक तो ज़्यादा ही लगने के अनुभव है, ठीक है, चांस है इतना। वैक्सीनेशन जो कैंप लगाया है प्रशासन ने, उनकी असिस्ट के लिए यहाँ पे आए हैं, और वैसे भी कंजेस्टेड मार्केट है, तो रेगुलर वैसे भी राउंड लेते हैं भाई, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे, और पूरी सपोर्ट उसके लिए भी अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगे, और जब मैक्सिमम हो सके वैक्सीनेशन लगवाएंगे, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना भी बनी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने इनिशिएटिव लिया है भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आकर वैक्सीन, ये कितना कारगर लगेगा आपको लगता है? बहुत कारगर कदम है, और इससे बीमारी से बचा जाएगा और आम आदमी जागरूक होगा, ताकि इन फ्यूचर किसी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अनिल रामपाल। अनिल जी, कैसे पता चला यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है? अभी दुकान के लड़के ने बताया यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, तो मैं आगे लगवाने के लिए। तो कितना इसको कारगर कदम समझते हैं स्वास्थ्य? बहुत अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया कदम है। ये तो कोरोना को रोकने का तरीका एक ही यही वाला है, और तरीका कोई है ही नहीं है। जो वैक्सीनेशन लग रही है और ना लगवाएं लोग तो बेवकूफ़ है, तो सबको लगवानी चाहिए। मार्केट के अंदर ये पहला प्रयास है, बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं तो बहुत इसके लिए धन्यवाद दूंगा प्रशासन को, इतना बड़ा कदम उस तरफ उठाया है। मार्केट में इसका होना बहुत ही जरूरी है, आज एतवार का दिन है, बहुत से लोगों को पता लगेगा तो अपने आप लगवा लेंगे यहाँ पे आकर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजू गुप्ता नाम है। आज एक नंबर मार्केट में खरीदारी करने के लिए आए थे? बस खरीदारी करने आया था, और वैक्सीन अभी लगवाई नहीं थी, मैंने कहा लग रही है तो पहले लगवा लूँ, बहुत जरूरी है लगवाना। तो कैसे पता चला था आपको?
बस हमने देखा मार्केट में वैक्सीनेशन हो रहा है तो हमने कहा लगवा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो स्वास्थ्य विभाग का कितना अच्छा कदम है? बहुत अच्छा कदम है सर, ये तो लोगों की जिंदगियां बच रही हैं इससे। पहले तो हाहाकार मचा हुआ था, अब तो काफ़ी अच्छा है। तो इतना लेट कैसे हो गया? आपकी कौन सी डोज है आज? सर ये तो मेरी अभी पहली डोज है। पहली है तो लेट कैसे हो गया इतना? सर हो गया, पहले मैंने कहा घर के मेम्बरों को लगवा दूँ, फिर बीच में घर में कुछ काम भी थे कुछ, इस चक्कर में मैंने कहा चलो दूसरी डोज टाइम पे लगवाओ। हाँ हाँ बिल्कुल टाइम पे लगवाएंगे, तो नहीं लगवाएंगे ये तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है ना।